हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी तुम लोगों की। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर सल्फोनामाइड लेके आ गए हैं और फटाफट इसे खत्म करते हैं। फटाफट दो चैप्टर और भी करने करें शुरू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सल्फोनामाइड के अंदर टोटल हमारे पास कितनी है? टोटल 7 ड्रग्स हैं। केवल दो के ऊपर स्टार लगा हुआ है जिनके हमें केमिकल नेम और आईयूपीएसी और स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी देखनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सल्फोनामाइड्स होते क्या हैं? सल्फोनामाइड्स होते क्या हैं? सल्फोनामाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये एक क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझते हो? फंक्शनल ग्रुप तुम लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से सल्फोनामाइड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अ पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एक हिस्सा। दैट इज द बेसिस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स। कई सारे ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स का क्या है? ये बेस है सल्फोनामाइड्स। उनमें सल्फोनामाइड्स होता है और फिर आगे उसमें दायरा में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं और कुछ नया ड्रग बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझते हैं। देखो, अमाइड की बात करें, अमाइड ये सी आ गया बीच में, ठीक है ना। अमाइड क्या है? और ये आर, यानी कि आर सी ओ और एन एच टू। बच्चों ये सी ओ एन एच टू है, या कई बार तुम लोग देखोगे इसको लिखा हुआ सी ओ एन एच टू। दिस इज द अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है? ये अमाइड। ओके, अब जरा यहां देखो, सी ओ एन एच टू, अगर यहां पे C होता तो ये ग्रुप क्या हो जाता? अमाइड हो जाता, ठीक है ना। बट यहां पे क्या है? S है और इसके साथ दो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़े हुए हैं और साथ में क्या है? अमीन है और एक R है। तो देख लो बच्चों, ये जो मेरे पास एक कॉमन ग्रुप है यहां पर, ये कहलाता है सल्फोनामाइड, जिसके अंदर ये चीज मौजूद है। अच्छा, चेंजेस क्या क्या होते रहेंगे? R की वैल्यू चेंज होती रहेगी, R की वैल्यू कभी CH3 हो जाएगी। ज्यादातर ये बेंजीन में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? बेंजीन बदल जाता है। हम लोग देखेंगे NH2 है, यहां पर एक H कुछ रिप्लेस होकर कुछ और हो जाएगा, दूसरा H रिप्लेस होकर कुछ और हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसी H हटता रहेगा, ये R की वैल्यू चेंज होती रहेगी और मेन जो स्ट्रक्चर है SOO और ये N, ये इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा और हमारे पास अलग अलग ड्रग्स आती रहेंगी। क्लियर है? तो ये है अमाइड और इसी अमाइड से बना है क्या? सल्फोनामाइड। एस लग गया है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सल्फोनामाइड पड़ गया। बात समझ में आ गई? ओके, फिर से देखते हैं इसको एक बारी क्या कह रहा है। सल्फोनामाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। यह एक फंक्शनल ग्रुप है, पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है, ये बड़े से मॉलिक्यूल का हिस्सा है। दैट इज द बेसिस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स। बहुत से ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स का क्या है? ये बेसिस है, विच आर कॉल्ड सल्फोनामाइड। उन सब ड्रग्स को जिसके अंदर ये कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कंबाइंडली हमने एक नाम दिया सल्फोनामाइड। कंबाइंडली हमने एक नाम दिया क्या? सल्फोनामाइड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, सल्फोनामाइड कह लो, सल्फर ड्रग्स कह लो या सल्फर ड्रग्स कह लो, देखो नाम सेम है, बट कहीं पर कुछ कंट्रीज हैं वो एफ लिखना पसंद करती हैं, कहीं पर कुछ कंट्री फा के लिए पीएच लिखना पसंद करती हैं। तो वो ठीक है, आ गया अब ट्रेंड में, कहीं एफ लिखा जा रहा है, कहीं पीएच लिखा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। सल्फा ड्रग्स कह लो या सल्फोनामाइड्स कह लो। क्लियर है? ओके, सल्फोनामाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब किसका बना हुआ है? सल्फर एटम, एक सल्फर एटम है। That has two sets of double bonds. इसके पास दो सेट होते हैं डबल बॉन्ड्स टू टू ऑक्सीजन। ये दो डबल दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अ कार्बन बेस्ड साइड ग्रुप, एक साइड ग्रुप होता है जिसमें क्या लगा होता है? जो कि कार्बन का होता है ना, आर सी एच थ्री हो गया। एंड ए नाइट्रोजन एटम, एक क्या है यहां पर? नाइट्रोजन एटम है, बॉन्डेड टू द सल्फर इटसेल्फ, जो कि ये सब खुद के सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? सल्फर से जुड़े हुए हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन अमाइड कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको हटा दूं, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ग्रुप, ये जो ना सी ओ और ये निकले डंडे, इसको हम लोग क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। सी के साथ डबल बॉन्ड हो, क्या कहलाएगा? कार्बोनिल ग्रुप।
बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। यहां बता भी रहा कि अमाइड क्या होता है, अमाइड कुछ ऐसा होता है, यहीं से निकल के क्या आ गया हमारा सल्फोनामाइड। क्लियर है? ठीक है, ओके आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। द ओरिजिनल एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप। द ओरिजिनल एंटी बैक्टीरियल कह रहा है जो असली के जो शुरुआती थे, मतलब ओरिजिनल थे सल्फोनामाइड, आर सिंथेटिक, ये कैसे थे, सिंथेटिक थे, बनाए हुए थे, मैनमेड थे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप। इनके अंदर क्या मौजूद था, सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद था। सम सल्फोनामाइड्स, कुछ सल्फोनामाइड्स आर आल्सो डिवाइड, डिवाइड मतलब कोई चीज नहा होना, नहीं होना, कोई चीज नहीं होती तो हम डिवाइड लिख देते हैं। कुछ सल्फोनामाइड ऐसे हैं डिवाइड ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, इनके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, बट जैसे कि एंटी कन्वर्सेंट्स, ठीक है ना, एंटी कन्वर्सेंट और ये है सल्टीएम करके नाम है करके, तो एंटी कन्वर्सेंट हमको पता है, एंटी कन्वर्सेंट जो होते हैं वो क्या है, उनके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी, बट वो कन्वर्जेंस है ना एटन वगैरह को ठीक करने में काम में आते हैं। तो कुछ सल्फोनामाइड हैं जिनके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। सल्फोनामाइड क्या हमेशा बैक्टीरिया को किल करेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है कि सल्फोनामाइड हमेशा बैक्टीरिया को किल करें, उनकी कुछ और एक्टिविटी भी हो सकती है जो हमारे ह्यूमंस के लिए फायदेमंद होगी। ओके, फिर क्या कह रहा है, द सल्फोनिल यूरियास एंड थायाजाइड, है ना, थाया मतलब एस, जहां पे एस भी हो और साथ साथ में एन भी हो, है ना, जहां पे एस और एन दोनों एक साथ आते हैं। डायुरेटिक्स आर न्यूअर ड्रग्स ग्रुप बेस्ड अपॉन द एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड। अभी थोड़ा इंट्रो बता रहा है यहां पर कि जो सल्फोनिल यूरियास है और थायाजाइड डायुरेटिक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, डायुरेटिक्स में पढ़ा था। न्यूअर ड्रग्स ग्रुप बेस्ड अपॉन द एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड, ये कुछ नए ग्रुप्स अभी बने हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स के अंदर आते हैं। एलर्जीज टू सल्फोनामाइड्स आर कॉमन, जनरल है, कुछ लोगों को सल्फोनामाइड सूट नहीं करता है, खाएंगे या लगाएंगे तो उनको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब यहां पे बात कह रहा है द ओवरऑल इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब घटनाएं, किस चीज की, ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बड़ा कॉमन शब्द है, मतलब कि अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें कि दवा खाने के बाद सल्फोनामाइड कितने लोगों को ड्रग रिएक्ट कर जाती है, ठीक है ना, तो वही बात बोल रहा है। द ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू सल्फा एंटीबायोटिक इज अप्रोक्सीमेटली 3%, यानी कि अगर 100 लोगों को दोगे तो लगभग 3 लोगों को दवा ये रिएक्ट कर जाएगी। ओके, क्लोज टू पेंसिलिन, पेंसिलिन के काफी क्लोज है, पेंसिलिन भी अभी पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है एक्चुअली, वो भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने करती है, इसी वजह से क्या उसको अब काफी ज्यादा उसका यूज लिमिटेड हो गया है, ठीक है ना। हैंस मेडिकेशंस यानी कि दवाइयां या ड्रग कंटेनिंग सल्फोनामाइड्स आर प्रिस्क्राइब्ड केयरफुली, इसको बड़े ध्यान से दिया जाता है, जहां पर डाउट होता है कि ये दवा रिएक्ट कर सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इंजेक्शन लगना है तो बहुत छोटा सा ना स्किन के ऊपर लगा, हल्का सा इंजेक्शन लगा के चेक किया जाता है, अगर वहां पर स्किन पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है इसका मतलब वो दवा क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो वो नहीं दिया, चेक कर लिया जाता है पहले कि दवा किसी इंसान को रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये दवाइयां कुछ ऐसी हैं कि डॉक्टर डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, एक बार को टेस्ट करवाता है या फिर इंजेक्शन लगवा के थोड़ी देर बैठाएगा, बहुत छोटा सा ड्रॉप डलवाएगा इंजेक्शन का हाथ पे और बैठा देगा पेशेंट को थोड़ी देर और मार्क कर देगा कि देखो कि कहीं उसको रिएक्ट तो नहीं कर रही है, बात समझ में आ रही है। आगे चलें, सल्फोनामाइड ड्रग्स वर द फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल टू बी यूज्ड, ये पहले ऐसे ड्रग्स थे, वर द फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव, जो बहुत बड़े तादाद में एंटीबैक्टीरियल की तरह इस्तेमाल किए गए, किसके तरह इस्तेमाल किए गए, एंटीबैक्टीरियल की तरह, टू बी यूज्ड सिस्टेमेटिकली, सिस्टेमेटिकली का मतलब है कि पूरी बॉडी में, यानी कि हम कोई चीज खा लें और कोई चीज हमारी बॉडी में ब्लड में चली जाए, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है सिस्टेमेटिकली। अच्छा, कुछ ड्रग हम ऊपर लगा लेते हैं वो ब्लड में नहीं जाता है, तो ये पहले ऐसे ड्रग्स थे जिसको हम लोगों ने बॉडी के अंदर देना स्टार्ट किया, ठीक है ना, एंड पेव द वे फॉर एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन इन मेडिसिन, पेव्ड, पेव्ड मतलब गति देना, इसने गति दी एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन का, ठीक है ना, यानी कि एक रिवोल्यूशन हो गया कि अच्छा बॉडी के अंदर डालो तो और ज्यादा इफेक्टिव है, ये तो पूरी बॉडी में कहीं भी हर चीज को ठीक करेंगे, ठीक है ना, एक तरह का रिवोल्यूशन आया मेडिसिन में कि हाँ ये सबसे पहले थे। तो बच्चा देखो यहां पर क्या है, कुछ जनरल बातें हैं ये, ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा सल्फोनामाइड
ड्रग्स वर द फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल टू बी यूज्ड सिस्टमेटिकली. तो तुम यहां पे लिख सकते हो सल्फोनामाइड आर द फर्स्ट ड्रग टू विच आर यूज्ड सिस्टमेटिकली. सिंपल लिख लो, ठीक है. और दे दीज ड्रग्स क्या सकते हैं हम लोग की गिव द वे टू द रिवोल्यूशन इन एंटीबायोटिक फील्ड. इस तरह से मतलब एक सेंटेंस खुद से बना सकते हो. मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है. हिंदी लिखते चलोगे साथ साथ में तो इनके मीनिंग्स खुद से मतलब जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग यही है बिल्कुल एज इट इज उतारनी है. मैं पहले बता चुका हूं लकीर का फकीर नहीं बनना है. मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, तुम 7 याद करो, तुम 5 याद करो जो तुमको आसान लगते हैं, ठीक है. या कोई शब्द मतलब मीनिंग तो समझ में आ गया लेकिन लग रहा है कि सर का लिखा हुआ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उसको हिंदी में लिखो और फिर बड़े आराम से सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करो. बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है इंग्लिश में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है. चलो आगे आते हैं. इन बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड एक्ट एज. बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है समझते हैं. बैक्टीरिया के अंदर सल्फोनामाइड कर क्या रहे हैं. इन बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेटेस DHPS. बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, DHPS. उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है. एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोलेट सिंथेसिस. फोलेट मतलब जो कि आगे जाकर के फॉलिक एसिड है ना, जो आयरन वाला जो पार्ट होता है. फॉलिक एसिड सिंथेसिस में क्या करता है, ये हेल्प करता है. कौन? फॉलेट आगे जाके फॉलिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. सल्फोनामाइड आर देयरफॉर बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है ना. ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है. बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे, बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे. स्टैटिक और साइडल. स्टैटिक मतलब रोक देना और साइडल मतलब किल कर देना. एंड इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन. उसका डिविजन हो रहा होगा उसको रोक देगा और बैक्टीरिया, बट डू नॉट किल देम, उनको मारेगा नहीं. ह्यूमन इन कंट्रास्ट टू बैक्टीरिया एक्वायर फॉलेट थ्रू द डाइट. मतलब वही बात है, फॉलेट विटामिन B9, क्योंकि हम अगर इसे खाएंगे तो हमारे भी तो फॉलेट को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन हम लोग डाइट में ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हमको मिलता रहेगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया कहां से लेगा एक्स्ट्रा, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, ठीक है. उसका किल हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी बॉडी में अगर डिस्ट्रॉय होता है थोड़ा बहुत तो हम डाइट के थ्रू उसको कवर कर लेते हैं. क्लियर है? ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड की बात करें तो इसको दो तीन कैटेगरी में तोड़ा गया है. शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है ना, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग, देन लॉन्ग एक्टिंग. अब ये सारे शब्द तुम लोगों को समझ में आते हैं. शॉर्ट एक्टिंग थोड़े टाइम के लिए, इंटरमीडिएट बीच वाला, लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय के लिए. टॉपिकली यूज, जो स्किन वगैरह के ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे. अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है ना. तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हमारे कोलोन वगैरह में अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं वहां पे इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे सल्फाडायजीन, सल्फाडाइमिडीन, सल्फासेटामाइड, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फा डाइऑक्सीन, ठीक है ना, देन सल्फा मिथॉक्सी पायराजीन, सल्फा डाइमिथॉक्सीन एक्सेट्रा, देन मेफनाइड, सिल्वर सल्फा डाइजीन एंड सल्फासेटामाइड, ठीक है ना, देन सल्फा सलाजाइन. तो इस तरीके से इसको 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरी में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है. अच्छा बच्चों एक चीज बता दूं मैं, कई सारी बुक्स में या कई बार कुछ टीचर ना अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कराते हैं. अब क्लासिफिकेशन का कोई इन्होंने कोर्स में ये नहीं बोला कि आपको मोड ऑफ एक्शन से क्लासिफाई करना है या केमिकल स्ट्रक्चर से क्लासिफाई करना है. एक क्लासिफिकेशन का तरीका याद कर लो कोई भी, बात समझ में आ रही है. और जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जनरली, ठीक है ना, ज़्यादातर केमिकल वाला होता है, मोड ऑफ एक्शन के कम होते हैं, तो केमिकल वाला ही ज़्यादातर याद करके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अदरवाइज जो आसानी से याद हो जाए वो याद करो, ठीक है ना. क्लियर है? आगे आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड ये हो गया हमारे पास. आगे आते हैं, अब हमारे पास ड्रग्स स्टार्ट हो जाती हैं. सबसे पहली ड्रग है सल्फानिलामाइड. देखो सल्फानिलामाइड आल्सो स्पेल्ड सल्फा है ना, पीएच. ये इसलिए बता दिया मैंने कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि हमारे सर ने तो पीएच लिखा है कहीं एफ लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले बता चुका हूं. इज अ सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल ड्रग, ठीक है, लिख सकते हैं. अगर हमको एक चीज पता चल गया, अच्छा सल्फोनामाइड ये सल्फोनामाइड है, तो एक बेसिक सी लाइन जोड़ दोगे, दीज आर द सल्फोनामाइड ड्रग्स, दीज आर द एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ये सब जनरल बातें जोड़ सकते हो. सल्फानिलामाइड इज एन ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड स्ट्रक्चरली सिमिलर. अब देखो हो क्या रहा है,
ये क्या कह रहा है, ये एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, और ये सिमिलर है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पाबा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये किसके सिमिलर है, पाबा के सिमिलर है, पाबा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ओके, विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब देखो पाबा है तो पाबा करेगा क्या, आओ देखते हैं, सल्फोनिल अमाइड कंपीट विद पाबा, जो पाबा है पाबा जैसा दिखता है ये, ठीक है ना, और बैक्टीरिया का जो पाबा है ना, अब कोई चीज तुमको खाने जैसी दिखाई दे रही है बट एक्चुअल में मान लो कोई तुम सपोज रोटी खा रहे हो, दो रोटियां रखी हैं, एक में जहर मिला हुआ है और एक में सादा रोटी है, पहचान तो सकते नहीं हो, दोनों आटे जहर आटे में डाला गया है, तो अब अगर जहर वाली रोटी खाओगे तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी। सेम चीज यहां पर है, ये पाबा जैसा दिखता है, बैक्टीरिया को पता नहीं चलता है कि ये ड्रग वाला पाबा है कि मेरी बॉडी वाला पाबा है, बात समझ में आ रही है, ड्रग वाला पाबा है या मेरी बॉडी वाली पाबा है, ठीक है ना, और ये कॉम्पिटिटिवली क्या करेगा, फाइट करेगा, यानी कि जो ड्रग वाला पाबा है वो आगे आगे भागेगा, जिससे कि बैक्टीरिया ड्रग वाला पाबा को पहले ले ले इस्तेमाल करे, इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की जल्दी डेथ होगी, ठीक है। तो कह रहा है कंपीट करता है, ये कंपीट करने वाला, समझ रहे हो ना, उससे कॉम्पिटिशन करेगा, बैक्टीरिया के पाबा से कॉम्पिटिशन करेगा कि बैक्टीरिया का पाबा ना जाए, असली वाला मैं चला जाऊं, क्लियर, ओके, ठीक, कंपीट कर रहा है, देयर बाय जिसके द्वारा प्रिवेंटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा, जिसके द्वारा ड्रग वाला पाबा आगे आगे जाएगा और रोकेगा, किसको रोकेगा, बैक्टीरिया के पाबा को रोकेगा कि वो इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि वो पाबा जाकर के डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड में जाकर लग ना जाए, बात समझ में आ गई, ठीक है, द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ फॉलिक एसिड, ये जो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड होता है ये प्रिकर्सर होता है फॉलिक एसिड, यानी जो फॉलिक एसिड होता है वो इसी डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से बनेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, दिस लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल फॉलिक एसिड, इस ये जैसी काम हो जाएगा वैसे ही बैक्टीरिया का फॉलिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, जो फॉलिक एसिड होता है विच इज, यानी कि जो कि रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, ये जो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स हैं ये डीएनए के केमिकल्स हैं जो डीएनए में लगते हैं, ठीक है ना, जब डीएनए में लगने वाले प्यूरिन्स पाइरिमिडिन्स बनेंगे ही नहीं, जो कि बनने के लिए इस्तेमाल करते थे फॉलिक एसिड का, फॉलिक एसिड अब बन नहीं रहा है, बन रहा है तो खराब वाला बन रहा है, तो प्यूरिन्स पाइरिमिडिन्स क्या हो गए, गड़बड़ हो गए, जिसकी वजह से उसका डीएनए और प्रोटीन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, डीएनए प्रोटीन अगर गड़बड़ हो गया तो किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली इनहिबिट सेल ग्रोथ एंड कॉज सेल डेथ, ये बात समझ में आ गई, तो कहीं ना कहीं मैंने यहां पर एक तरह से मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर दिया है, सब में लगभग सेम है, ठीक है ना, इसलिए कर दिया, सब में सेम है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात, अदरवाइज कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखना पाबा को कंपीट करता है, ठीक है ना, फॉर द बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेट सिंथेटेस, ठीक है ना, ये बात क्लियर कर लेना, पाबा को कंपीट करेगा जिसकी वजह से फॉलिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, फॉलिक एसिड जरूरी होता है, ठीक है, प्यूरिन्स पाइरिमिडिन्स याद ना रहे तो कोई बात नहीं, तीन बातें, पाबा से कंपीट करेगा जो कि फॉलिक एसिड बनने के लिए जरूरी होता है, और फॉलिक एसिड चाहिए होता है डीएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस में, क्लियर हो गया, इतना तो लिख सकते हो, ओके, आगे आते हैं, सल्फोनामाइड इज रेयरली इफ एवर यूज सिस्टमेटिकली ड्यू टू टॉक्सिसिटी एंड बिकॉज मोर इफेक्टिव सल्फोनामाइड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, क्या कह रहा है, सल्फानिल अमाइड इज रेयरली, यदा कदा ही या शायद ही कभी सिस्टमेटिकली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं, ऊपर से तो इस्तेमाल हो जाएगा, खाना नहीं है इसको, क्यों, क्योंकि टॉक्सिक है ये, ठीक है, बिकॉज, और क्यों इस्तेमाल करें, ये टॉक्सिक है तो इसका इस्तेमाल क्यों करना, क्योंकि जब मेरे पास कह रहा है इफेक्टिव सल्फोनामाइड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, कुछ इससे और अच्छे सल्फोनामाइड्स मेरे पास मौजूद है, साथ पढ़ेंगे ना अभी हम यहां पे, पहला ये पढ़ रहे हैं, इससे और बेटर सल्फोनामाइड मेरे पास मौजूद है, मैं क्यों इसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये टॉक्सिक भी है, तो ये लाइन हमको ये बता रही है, क्लियर है, आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, सल्फानिलामाइड रिमेन्स इन यूज टूडे इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल प्रिपरेशन, क्योंकि टॉक्सिक है हम खा नहीं सकते हैं, तो आज के जमाने में यूज टूडे रिमेन्स, हम लोग उसका टॉपिकल प्रिपरेशन यानी कि हमारे स्किन वगैरह पे लगाने वाले प्रिपरेशन के तौर पे हम आज भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरीली यानी कि खास करके फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ईस्ट, है ना,
जो वेजाइना होता है वहाँ पे ड्यू टू नॉन हाइजेनिक कंडीशन है ना, हाइजेनिक साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है ना, फंगस कह लो, ठीक है। मेनली जो उसका नाम जो है, जो इन्फेक्शन होता है उसका नाम है वल्वो वेजाइनाइटिस, है ना। मैंने पहले बताया था जहाँ कहीं वर्ड आ जाए आइटिस, इसका मतलब इन्फेक्शन, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय कैंडाइडा एल्बिकन्स, उसका नाम दे दिया ईस्ट का, क्या नाम है, कैंडाइडा एल्बिकन्स की वजह से ईस्ट में एक इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है वल्वो वेजाइनाइटिस। तो देखो ये लाइन क्यों याद कर लो, यूज में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन वल्वो वेजाइनाइटिस, तो वहां पे भी काम में आ जाएगा, क्लियर है, ओके। तो स्टार नहीं है इसका, तो इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल है, तो आप देख लेते हैं। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और देखो मैंने क्या बताया था, ये एस था ना, यहां पे क्या लगा हुआ था, पीछे आर लगा हुआ था, इस आर की जगह बेंजीन लग गया है, एनएच2 वैसा का वैसा ही है। तो अब यहां से तुमको एक पहचान होने लगी, अच्छा ये स्ट्रक्चर पूरा ही, बस यहां पर ये बदल गया है। तो अब यहां पर जो बदल गया है, ये वन, यहां पर जो ये बदल गया है, ये क्या हो गया, वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर पे क्या लगा हुआ है, अमीनो बेंजीन, और ये क्या है, सल्फोनामाइड, हो गया आंसर, सिंपल। चले आगे, चलो आगे देखते हैं। यूज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यूज तो हमारे पास सिंपल हो गया, इट इज यूज टू ट्रीट वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, इट रिड्यूस, अच्छा वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है, बर्निंग, जलन होती है, खुजली होती है, डिस्चार्ज है ना, लिक्विड का एक फाउल स्मेल लिक्विड, गंदी से बदबू वाला लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि ईस्ट की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक याद रखो, इससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं उसको लिख करके अगली लाइन हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्लियर है, ओके। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सिंपल है, शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज्ड, ये तो अब लिखना आ गया होगा। फॉर्मुलेशन मैंने जैसे बताया, अब लास्ट हम लोग फाइनली इसका क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रीम आ गया, एवीसी क्रीम इसका फेमस ब्रांड है। चलो अगला देखते हैं, सल्फाडायजीन। सल्फाडायजीन इज एन एंटीबायोटिक, क्या है ये, एंटीबायोटिक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे तुम एग्जाम में आ गया कि सल्फाडायजीन के बारे में लिखो, तुमने कहा सल्फाडायजीन सल्फोनामाइड है, लिख दो एक लाइन, इट इज एन एंटीबायोटिक, इट इज एन, इट इज, इट बिलोंग्स टू, इट कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप, ओके, या ठीक है, इट इज यूज एज एंटीबैक्टीरिया, ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट जो मैंने बताया था, इट्स मोड ऑफ एक्शन, तीन बातें क्लियर हो गई, तो ये फायदा है इसका, एक चीज से सारी बातें क्लियर होंगी। तो कुछ बेसिक बातें अगर है ना, थोड़ा सा लिंकअप करके चलोगे तो तीन चार लाइन तो ऐसे लिख ले जाओगे, ओके। चलो पढ़ते हैं, सल्फाडायजीन इज एंटीबायोटिक, ठीक है, हमको पता है, इट इज यूज टूगेदर विद पायरीमिथामाइन, ये पायरीमिथामाइन के साथ इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है ना, ओके। इट इज यूज टू ट्रीट टॉक्सोप्लास्मोसिस विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, टॉक्सोप्लास्मोसिस ये याद रखो, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना, टॉक्सोप्लास्मोसिस को ट्रीट करता है ये, और ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा होता है। इट इज द सेकंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर ओटाइटिस मीडिया, है ना, कान का जो इन्फेक्शन है उसके लिए। प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन के लिए किसका, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक मतलब बताया था मैंने, जो रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह था, जो हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर अटैक करता है। कैंक्रॉइड, ये एक इन्फेक्शन है, पेनिस का इन्फेक्शन है। देन क्लेमाइडिया, ईस्ट हो गया, एंड इन्फेक्शन बाय हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक वायरस है। तो ठीक है, ये बातें थोड़ी सी हमें जनरल बातें इसमें समझ के रखनी है। अच्छा एक काम कर लेना, किसी को अगर जैसे रूमेटिक फीवर याद नहीं हो रहा, कैंक्रॉइड याद नहीं हो रहा है, तो कोशिश ये करना, गूगल पे जाना, इनके कुछ सिंपल से नाम भी होते हैं, कई बार सर्च कर लेना, अगर सिंपल नाम मिल जाता है तो अच्छी बात, अदरवाइज ये नाम तुमको याद करके चलने पड़ेंगे, ओके ओके। इट इज ऑल्सो यूज एज अर्जेंट थेरेपी फॉर क्लोरक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया क्लोरक्विन से रेजिस्टेंट हो जाता है, मलेरिया तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो मलेरिया क्लोरक्विन से रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, उसमें ये साथ में दवा दी जाती है, ठीक है ना, और किसमें दी जाती है, एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो दिमाग का मैंने बताया था, दिमाग में जो फ्लूइड होता है उनका जो इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर ये एडजंक्ट साथ में दी जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो। क्लियर, इट इज टेकन बाय माउथ, स्टार नहीं है, बट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं तुमको समझाता हूँ, ये देखो ये वाला ग्रुप पकड़ो जरा, वही आ गया यहाँ पे R हुआ करता था, याद है ना, ये R की जगह ये लगा हुआ है, इसका एक H अब इस बार इस्तेमाल हो गया है जो कि पायरिमिडिन, उसने पायरिमिडिन ने ले लिया, ये इसका एक H इस्तेमाल हो गया। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये R बदलता रहेगा, इसका एक H या दो H बदलते रहेंगे, बीच का मेन ग्रुप वही रहने वाला है, बीच का मेन ग्रुप वही रहने वाला है सल्फोनामाइड, ठीक है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 फोर अमीनो, ठीक है इधर हो गया, एन पे क्या लगा हुआ है पायरिमिडीन, और ये 1 और 2, 2 से जुड़ा हुआ था 2-I-बेंजीन, ये बेंजीन आ गया सल्फोनामाइड, क्लियर है, क्लियर, ओके। यूज टू ट्रीट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या UTI, क्लियर है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, ब्रांड नेम की बात करें तो सल्फास, लैंट्रिसोल, न्यूट्रीजीन, सल्फाडाइजीन और सल्फालॉइड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है, ये थोड़े से काफी कॉमन से हैं, ठीक है। आगे आते हैं सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SMZ, SMX भी कहते हैं, इसे सल्फोनामाइड है, लिख लोगे ना आप तो दिमाग में आना चाहिए, सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड है, ये बैक्टीरियोस क्या है, बैक्टीरिया को रोकता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया इन्फेक्शन, एक लाइन जोड़ लो अपनी तरफ से, तो लिखा हो बैक्टीरियोस्टैटिक है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टैटिक है, रोकता है, ये किल नहीं करेगा। एंटीबायोटिक दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ट्राइमीथोप्रिम, याद रहे तो अच्छी बात, ये ट्राइमीथोप्रिम के साथ सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हो जाता है ज्यादा, ठीक है ना, याद रहे तो कोई बात नहीं, हटा देंगे, लकीर का फकीर नहीं बनेंगे, है ना, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करेंगे। इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, देखो वही सब में सेम है, डाइहाइड्रोप्टरेट सिंथेटेज, सब में उसी वही वाला एंजाइम की बात है जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, तो सब में सेम आ जाएगा ये। प्रिवेंटिंग द, कोई ग्रुप ही सब में सेम है ना, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोप्टेरोइक एसिड, अ प्रिकर्सर ऑफ फॉलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोड ऑफ एक्शन एक याद कर लो, सब में लगा सकते हो, ये सल्फोनामाइड तुमको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। इट इज यूज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पता है हमें, यूटीआई में कर लेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके इस्तेमाल, उनके वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बच्चे तुमको ये बात पता होनी चाहिए, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना, इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा, जिनको डिटेल करनी है गूगल बाबा जिंदाबाद है, ज्यादा नहीं, इनके सेल वॉल वगैरह और इनके टाइप ऑफ इन्फेक्शन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बाद बाकी ओके है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन वो नहीं है, फिर समझ लेते हैं, देखो अगेन वही सब आ गया, ये स्ट्रक्चर सेम है बीच का सल्फोनामाइड वाला, इस तरफ फोर अमीनो आ गया, इस तरफ देखते हैं क्या है, ठीक है, ये फोर अमीनो आ गया, एन पे क्या लगा हुआ है, ये आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहां पे क्या खाली जगह क्या होती है, मिथाइल CH3 है ना, खाली जगह C लिख लो या CH3, तो क्या होगा 5 पर मिथाइल, 1, 2, 1 पे ऑक्सा, ऑक्स O के लिए क्या होता है, ऑक्सो होता है, और एजा, एज किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए, 2 पे क्या होगा 1, 2 ऑक्स एजोल, 3 से जुड़ा हुआ है आइल, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, क्लियर है, ओके। यूज की बात करें तो अभी हमने देख लिया यूज होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, ट्रैवलर्स डायरिया, सफर करो लूज मोशन हो जाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, सेजेलोसिस, बैसिलरी डिसेंट्री, ठीक है ना, बैक्टीरिया की वजह से जो डिसेंट्री होती है, लूज मोशन हो जाते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है ठीक करने के लिए। स्टेबिलिटी स्टोरेज बेटा सेम है सबका, फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और सस्पेंशन है, ब्रांड नेम क्या आ गया, अभी ब्रांड नेम एल्कोरिमेफ, एंट्रीमा, बैक्ट्रीम, बैक्ट्रीम डीएस, ठीक है ना, और कीमोट्रीन फोर्ट। तो थोड़ा सा ब्रांड नेम कई बार उलझा देता है, जब जो हमारा ड्रग है उसके नाम के हिसाब से नहीं होता तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमें याद करते हुए चलना है, ठीक है ना, वो लर्न तो करना पड़ेगा, फार्मेसी कर रहे हैं तो। आगे आते हैं सल्फासेटामाइड, स्टार लगा हुआ है, इसका केमिकल नेम और आईबीएसी हमको करनी है।
सल्फासेटामाइड इज अ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, पढ़ ही रहे हैं भैया तो वो हो गई होगा। इट इज सिंथेटिक, ठीक है ना, सल्फोनिलसेटामाइड डेरिवेटिव विद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, बैक्टीरिया को ही तो किल कर रहा है। ठीक है, ये दो लाइन तो बिल्कुल छाप दो, अभी आगे भी आएगा एंटीबायोटिक वहां पर भी दो लाइन छपेंगी। ठीक है, इट इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलिक एसिड, सेम फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक रहा है बाय कंपेटिंग विद पाबा पैरामिनो बेंजोइक एसिड। तीन लाइनें कॉमन हो गई, अब याद हो गई होंगी ये तीन लाइनें सब में लिखनी है अब। ओके, इट हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ठीक है ना, स्टार्टिंग के दो या तीन छोड़ दो तो लगभग बाद बाकी सारे क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करेगा वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही हो जाएगा। यूज्ड एज एन एंटी इंफेक्टिव टॉपिकल, टॉपिकल पता ही है ना, ऊपरी तौर पर सरफेस इस्तेमाल होता है, टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन एंड एज ओरल एजेंट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओरल एजेंट अगर यूटीआई हो जाता है तो ये पढ़ चुके हम लोग यूटीआई, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अगर अब ये तो कर लोगे तुम लोग बड़ा आराम है ना, ये देखो यहाँ पर सी ओ और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एच थ्री, है ना, खाली जगह मैंने बताया था ना, ये क्या हो गया, एक सी यहाँ एक सी यहाँ एक सी यहाँ एक सी यहाँ, बता चुका हूँ मैं ये चीज। ओके, यहाँ देखते हैं फिर से वही क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 पॉज करके फटाक से बता दो आज का नाम, ये क्या है सी ओ सी एच थ्री सी ओ और एन एच। अब बेटा ये देखो ये ग्रुप हो जाएगा ये, है ना, एसिटामाइड, और ये हो जाएगा सल्फोनाइड, ठीक है ना, क्योंकि अब एसिटामाइड को प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फोर पे अमीनो लगा हुआ है, साथ में फिनाइल हो गया, सल्फोनिल हो गया, एंड देन एसिटामाइड हो गया मेरे पास ये, ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया ये। ओके, यूज की बात करें अगर हम लोग, तो इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, केराटाइटिस, केराटिन है ना जो बालों का रहता है थोड़ा सा, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, आंखों की प्रॉब्लम है जो, उन सब में इस्तेमाल होता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन सस्पेंशन सोल्यूशन इमल्सन है, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे क्या क्या होता है, ठीक है, सस्पेंशन जो हिलाने वाली मेडिसिन होती है, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, ओरल सोल्यूशन होता है सिरप वगैरह में जो आते हैं, और इंजेक्शन भी आते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो बेल्फटेन, ब्लेफामाइड, सेटामाइड और आइसोप्टोसेटामाइड, क्लियर है, चले आगे। ओके, मेफिनाइड एसिटेट, क्या है ये, मेफिनाइड एसिटेट इज द एसिटेट साल्ट ऑफ मेफिनाइड, ये तो बना के लिख सकते हो, एसिटेट है तो सॉल्ट होगा, कोई ना कोई जुड़ा होगा उसके साथ। इट इज सिंथेटिक सल्फोनामाइड, आर्टिफिशियल है, एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड विद टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी, तो पाबा को कंपीट कर रहा है, पाबा जैसा ही है, मैंने कहा पाबा ही होंगे सारे सारे यहाँ पर, पाबा को ही हरा के खुद अपने जाके लग जाएंगे विद टॉपिकल, टॉपिकल मतलब अगेन सरफेस पे काम करेंगे, क्लियर है। मेफिनाइड एसिटेट कंपीट विद पाबा फॉर द बैक्टीरियल एंजाइम, वही सारी मैंने कहानी यहाँ पे लिख दी है, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, एक लाइन बढ़ा दी है कि लाइन तुम लोगों को याद रख सकते हो, सब में सेम ही है, तो लिख सकते हो देयर बाय प्रिवेंटिंग इनकॉम्प्लीट ऑफ पाबा इनटू द डाइट ऑफ फॉलिक एसिड, देयर बाय इंटरफेयर विद द नॉर्मल फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, एज अ रिजल्ट सिंथेसिस ऑफ पाइरिमिडिन इन रिक्वायर्ड फॉलेट मेटाबॉलिज्म इमीडिएट एंड सबसिक्वेंटली डीएनए सिंथेसिस इज अफेक्टेड, ठीक है, कर लोगे, अरे हाँ ना बोल दो, हाँ कुछ की आवाज आ रही है कुछ की आवाज नहीं आ रही है, देखो क्या कह रहा है, कंपीट विद पाबा बैक्टीरिया के पाबा फॉर द बैक्टीरियल एंजाइम, जब बैक्टीरिया के एंजाइम को क्या है, बैक्टीरियल एंजाइम को पाबा चाहिए होता है काम करने के लिए, पाबा इसको नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो हमारे जो दवा खाई वो वाला पाबा चला जाएगा, ठीक है ना। अब एंजाइम डाइहाइड्रोप्टरेट सिंथेटिस, जो एंजाइम का नाम ये रहा, देयर बाय जिसके द्वारा प्रिवेंटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा इनटू द डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड, ठीक है ना, ये पाबा को ये एंजाइम क्या करेगा, इसको रोक देगा, तो ये एंजाइम जो पाबा को इसमें लगाता है डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड में, जो कि फॉलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, अब ये एंजाइम का काम करना रोक देगा, तो ये पाबा एंजाइम को इसमें लगा नहीं पाएगा, ठीक है, और फॉलिक एसिड फिर ही आगे बन नहीं पाएगा। एज ए रिजल्ट सिंथेसिस ऑफ पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन प्यूरिन से मैंने बताए थे, पाइरिमिडिन क्या होते हैं, वो कंपोनेंट है जो डीएनए में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, विच रिक्वायर फॉलेट मेटाबोलाइट, ठीक है ना, ये जो पाइरिमिडिन है इनको जरूरत होती है फॉलेट मेटाबोलाइट, यानी कि फॉलिक एसिड की जरूरत रहती है कहीं ना कहीं, इज इनहिबिटेड ये रुक जाएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप डीएनए सिंथेसिस इज अफेक्टेड, डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। ओके, मेफिनाइड एसिटेट इज बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव
ऑर्गेनिज्म, तो कह सकते हो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक है। क्लियर है? ओके, या एंटीबैक्टीरियल है। केमिकल नेम है, स्ट्रक्चर इसका ऊपर स्टार तो नहीं है, बट आओ देख लें। ओके, अब यहां पर क्या है, साथ में एक्चुअली क्या है, एसीटेट है ये, मैंने जैसे बताया केमिकल का नाम क्या है, मेफेनाइड एसीटेट। तो यहां पर एक लिख देते हैं CH3C, ठीक है ना, डॉट लगा करके इसके साथ में रहेगा ये। तो एसिटिक एसिड ये रहा, और ये रहा 4 अमीनो, है ना, ये यहां पर आ जाएगा। वन टू थ्री फोर, और ये सी ये रहा। तो 4 पे क्या लगा हुआ, अमीनो, और साथ में क्या, मिथाइल। तो अमीनो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनामाइड, ये कौन सा हो गया, बेंजीन सल्फोनामाइड आ गया। क्लियर है ना, ये इसकी जगह पे क्या होता था, ये R होता तो सल्फोनामाइड, बेंजीन है तो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये चीज देख रहे हो, याद आया, इसके जगह पर R होता तो सल्फोनामाइड, बेंजीन है तो बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर है? यूज टू प्रिवेंट ट्रीट वाउंड्स इन्फेक्शन इन पेशेंट विद सीवियर बर्न्स, जो बर्न्स वाले केस होते हैं उनके केस में इसको हम लोग, बर्न्स जल जाता है, इन्फेक्शन फैलता है, उसमें देते हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन सोल्यूशन और क्रीम के फॉर्म में है, और जो फेमस ब्रांड है इसका वह है सल्फामाइलोन, एक ही है तो याद ये करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कोट्रिमाजोल, बड़ा फेमस है, जो लोग बच्चे लोग मेडिकल स्टोर वगैरह में होंगे, या एक बड़ा कैंडिड करके आता है, है ना, ब्रांड देखा होगा, आप देखना उसमें ये होता है कोट्रिमाजोल होता है, ठीक है, क्रीम होती है, ज्यादातर ऊपर लगाई जाती है इन्फेक्शन में। कोट्रिमाजोल सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम लॉट्रिमिन, ठीक है ना, लॉट्रिमिन के नाम से जो ब्रांड नेम है काफी फेमस है। इट इज एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है ना, कैसा है ये, एंटी फंगल है। इट इज यूज टू ट्रीट वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, देखो यहां पे यूज भी कवर होते चल रहे साथ साथ में, अब यही लाइन उठा करके नीचे यूज में लिख दोगे, ठीक है। ओरल थ्रश, ठीक है, डायपर रैश, बच्चे जो डायपर पहनते हैं, ओरल थ्रश है ना, ये लाल हो जाता है पूरा तक अंदर तक, ठीक है, डायपर रैश, जब बच्चे लोग डायपर पहनते हैं तो जांघें लाल पड़ जाती है, उनकी खुरचट लग जाती है। टीनिया वर्सिकोलर एंड टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म, जो हमारी खुजली वगैरह है उनमें भी, और टीनिया वर्सिकोलर ये भी एक तरह का रिंगवॉर्म का ही वैरायटी है। इंक्लूडिंग एथलीट फूड्स, ये याद हो गया होगा, पसीने की वजह से जो फुट वैसे हो जाते हैं, फंगस है। जॉक इच, अंडरवेयर पहनने की वजह से जांघें जो कटती हैं वो। इट कैन बी टेकन बाय माउथ और अप्लाइड एज अ क्रीम, ठीक है ना। तो जनरली तो हम लोग कोट्रिमाजोल यानी कि मैंने क्या बताया था, जो एक तरह से ना समझ लो कि जैसे रैशेस वगैरह गर्मी में पड़ जाती है, जांघें कट जाती हैं, उन सब में जो इस्तेमाल होने वाला है वो सबसे ज्यादा क्या है, कोट्रिमाजोल है। आगे आते हैं केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें, अगर केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो ये आई थिंक ओके स्टार नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देख लो डायमंड। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान रखना, कई बार स्ट्रक्चर जो मैं देता इसको देख के मेरे को याद आ गया कि कई बार जो स्ट्रक्चर होते हैं ना ऐसे इस तरीके से आड़े तिरछे बने हुए हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इनको सीधा कर लो, क्या कर लो, सीधा सीधा करेंगे, चलो इसको समझा देता हूं मैं, अलग से लिखो, ये रहा बीच में जॉइंट है तो क्या होगा, सी होगा, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, यही तो है, ये चार बने हुए हैं, एक फिनाइल यहां लगा दो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगला फिनाइल यही लगाओ, ठीक है, लगा हुआ तुम लगा दो, अदरवाइज कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है, फिर एक ये लगा दो, एक ये लगा दो, और इसमें लगा हुआ है दूसरे पे Cl, एक ये लगा देंगे हम। अच्छा यहां पर क्या रहेगा, कैसे करोगे, ये N से लगा हुआ है तो पहले एक N बना लोगे, ठीक है, फिर एक छोड़ के ये क्या है, पांच है, 1 2 3 4 5, तो तुम्हें यहां पर ध्यान से 5 बनाओगे, ठीक है। अब मैं तो यहां इरेज कर सकता हूं, तुम लोग इरेज नहीं कर पाओगे, तो बड़ा ध्यान से बनाना ताकि गलत ना हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से, जरूरी नहीं है, मैं ये इसलिए बता दिया कि कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से तुम बना सकते हो, तुमको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, अभी तुमको यहां पर क्या है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो देखते हैं यहां पर क्या नाम है इसका, ओके ये वन एक ही है, वन पे क्या लगा हुआ है, वन टू टू क्लोरोफिनाइल, एक ये हो गया टू क्लोरोफिनाइल कवर हो गया, एक फिनाइल ये है, एक फिनाइल ये है, तो डाई फिनाइल,
मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल। अच्छा वन ये वाला वन है, वन टू थ्री, ठीक है ना। इसका लगाओ कि मेन इस बार ये हो जाएगा इमिडाजोल। मेन ग्रुप कौन सा हो जाएगा मेरे पास, इमिडाजोल हो जाएगा ये वाला। तो इमिडाजोल के वन पर मिथाइल ये कवर हो गया, मिथाइल बाइफिनाइल, और इसके टू पर क्लोरो लगा हुआ है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें सीधी सीधी करके अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूज की बात करें, अगर इट इज यूज टू ट्रीट वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, ओरल थ्रस्ट, डायपर रैश, टीनिया वर्सिकोला, टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म इंक्लूडिंग एथलीट फुट्स एंड जॉक इच, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज बच्चों सेम है इसका, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो वजाइनल टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स होती हैं जो वजाइना में इंसर्ट कर दी जाती हैं, बॉडी की हीट से वो पिघल जाती हैं। लोशन आते हैं, क्रीम आते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो रिजॉल डीएस, कोट्रामाजोल डायट नाम से आता है, क्लोसिप, कैंडिड वीजेल और क्लोनेम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर डैप्सोन। ओके, क्या होता है डैप्सोन? डैप्सोन आल्सो नोन एज डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा, इट इज एन एंटीबायोटिक, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक, कॉमनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद रिफैम्सिन एंड क्लोफाजिमीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी, कुष्ठ रोग है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। तो एक लाइन ये याद कर सकते हो, ये सेकेंड लाइन मेडिकेशन है फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, ठीक है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया जो हमने डिस्कस किया था। ओके, एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सोप्लास्मोसिस इन दोज हु हैव पुअर इम्यून फंक्शन। क्लियर है बात है ये? तो अगेन यहां पर मेरे पास वही सेम आ गया जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया और टॉक्सोप्लास्मोसिस। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। एडिशनली इट हैज बीन यूज फॉर एक्ने, पिंपल के लिए है, डर्माटाइटिस है ना, स्किन की इन्फेक्शन हो जाए, और हर्पिटोफॉर्मिस वायरस की वायरस, हर्पी मतलब रहता है थोड़ा सा है ना, एक हर्पिस वायरस होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और उसी का थोड़ा सा यहाँ पर रोल रहेगा जिसकी वजह से क्या हमारा स्किन खराब हो रहा होता है, एंड वेरियस अदर स्किन कंडीशन, ठीक है। कोई फिर बच्चे बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर क्लियर, कोई बीमारी अगर तुमको एग्जैक्टली लग रहा है, खटक रही है कि यार ये बीमारी सर ने तो बता दी लेकिन अभी मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बीमारी अच्छा देखेंगे हम, गूगल पे चले जाओ, नाम डालो, पिक्चर के साथ निकल के आएगी, अच्छे से उसको देख के दिमाग में सेट कर सकते हो कि अच्छा ये होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो नाम याद रखने में काफी हेल्प हो जाएगी। कोशिश करना जितनी बीमारियां मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि यहां सबकी पिक्चर प्रोवाइड करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे, कोशिश ये क्या करो, पॉज करके तुरंत गूगल पे जाकर के इस बीमारी को डाला, या इस एक्ने तो खैर पिंपल पता ही है सबको, जो बीमारी नहीं पता उसको तुरंत गूगल पे डाला, उसकी इमेज देखी, उससे चीजें एकदम दिमाग में क्या होती है सेट होती है कि अच्छा ये चीज है। इट इज अवेलेबल बोथ टॉपिकली एंड बाय माउथ, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डैप्सोन का स्टार लगा हुआ है, तो देखो यहां पर वही सारी चीज आ गई। अब ये देखो, ये जो है ये NH2 और NH2 4 अमीनो फिनाइल, ठीक है, ओके। ये देखो क्या है, 4 पर 4 अमीनो फिनाइल सल्फोनिल, ये सल्फोनिल हो गया, और बच्चों क्या है ये हो गया मेरे पास एनिलीन, ये जो एक ये होता है NH2, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर जब इस तरह लगा होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया एनिलीन, इसको हम एनिलीन कहते हैं। तो ये एनिलीन आ गया, ये सल्फोनिल हो गया, और ये 4 पर 4 अमीनो फिनाइल, एक को हमने प्रीफिक्स बना दिया, एक को ये, एक को मेन ग्रुप बना दिया, इस तरीके से इसकी क्या है नेमिंग है। यूज की बात करें तो यूज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, देखा था ना हमने लेप्रासी, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, टॉक्सोप्लास्मोसिस, एक्ने वगैरह वगैरह। स्टोरेज और ये सेम ही है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें, टैबलेट और जेल के रूप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें अगर तो एक्जोन, डायसॉक्सिया एंड डायडीमैक्सिया के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ये हमारे पास सारी स्लाइड्स कवर हो गई हैं और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत आराम से धीरे से इस लेक्चर को देखना है, ठीक है ना, ताकि चीजें मिक्सअप ना हो जाए। इस ये लेक्चर बड़ा आसान इसलिए हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कॉमन है इसमें, है ना, जैसे मोड ऑफ एक्शन सब में लगभग सेम है, लास्ट का एक थोड़ा सा दो
अलग था थोड़ा सा, पर ना सबका सेम है, ठीक है। और ब्रांड नेम है, फिर बता रहा हूं ब्रांड नेम, कोशिश वो क्या करो, अगर ये ब्रांड नेम तुमको दिक्कत दे रहे हैं, नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, उस दवाई का नाम डालो, ब्रांड नेम ऑफ क्लोट्राइमाजोल, उसका नाम डाल करके ब्रांड नेम लिखो तो निकल के आएंगे। और कोशिश करो वो ब्रांड नेम लिख लो जो उसके नाम से मिलते जुलते हैं, वो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं लकी का फकीर नहीं बनना है, जो मैंने यहां दे रहा हूं हेल्प है वो, ठीक है। उसमें अगर कोई चीज उसमें भी दिक्कत करती है कुछ बच्चों को या कर रही होगी, तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड करने की आदत डालो, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं कि लकीर का फकीर बन गया कि सर ने तो लिख दिया कि यही होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला सकते हो। लेकिन हाँ, आईयूपीएससी वही होगी, स्ट्रक्चर वही होगा, यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो जनरल इंट्रो स्टार्टिंग में बताता हूं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। और जो फॉर्मुलेशन है वो वही होती है। हाँ, मान लो चार तरह की फॉर्मुलेशन है, टैबलेट, जेल, सॉल्यूशन, इंजेक्शन, तो उसमें कोई एक छूट गई अगर तुमसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कम से कम अगर तीन तीन चार चार तरह की फॉर्मुलेशन है, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से भी कर सकते हो, क्लियर है। नोट्स हेल्प के लिए है, बिल्कुल लकी का फकीर नहीं बनना है। जो लकी का फकीर बनने की कोशिश करेगा वो परेशान हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं, वो घबरा जाएगा कि अरे यार इतना सब कैसे करना है ना। थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा करके उसमें चीजें ऐड कर लो, सिंपल कर लो अगर कोई चीज टफ लग रही है तो। क्लियर है बात? ओके, तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।